अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। मैं अरशद अहमद अभी मौजूद हूँ मैं केशवान ए में, वार्ड नंबर 2, जो यहाँ पे केशना में पड़ता है। तो यहाँ पे हम खसूस आपको दिखाना चाहते हैं कि जो पूरे और भी अपडेट्स में हमने आपको दिखाया कि केशवान में किस तरीके से पूरे एरिया में आवास प्लस योजना के तहत, जो स्कीम के तहत जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो लोग डिजर्व करते थे, उनको किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, किस तरीके से उनको किनारा किया गया है। तो यही एक केस यहाँ पर भी है मौजूद, जो गुलाम नबी वानी साहब के नाम से हैं। यहाँ पे पहले आपको दिखाएंगे इनका मकान कि कितना बड़ा मकान है इनको और क्यों इनको नज़रअंदाज किया गया। पहले इनका मकान देख लीजिए, फिर इनसे आगे हम बात करवाएंगे। ये देखिए, ये इनका मकान है, सिंगल स्टोरी टोटल है, कच्चा मकान है, बिल्कुल टूटने की कगार पे है। ऐसा नहीं है कि कोई पक्का है या सीमेंटेड है, कुछ है, देख लीजिए आप। सिंगल स्टोरी मकान है, मकान आपने देखा इनका तो। लेकिन अगर जैसे हमने देखा तो टोटल बिल्कुल हक है इनको, ये डिज़र्व करते हैं इस स्कीम के तहत, इनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनको अवॉइड किया गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है या किशोर एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, या आप खुद ही देख सकते हैं। जो बार बार जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि यहाँ पे पिक एंड चूज़ किया जा रहा है लोगों को, मतलब गरीब लोगों को साइड किया जाता है, जो इनके नियर डियर होते हैं उनको सबसे पहले तवज्जो दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हकीकत सामने है। तो इसी के मुताबिक पहले यहाँ पे अभी मौजूद हैं फारूक अहमद भट्ट साहब, जो इसी पंचायत से बिलोंग करते हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में, या आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अवॉइड किया जा रहा है, इसमें कौन लोग हैं डिपार्टमेंट या यहाँ के लोग जो बार बार इल्ज़ाम लग रहे हैं यहाँ के लोकल बॉडीज़ के ऊपर, तो क्या कह रहे हैं आप इसके ऊपर? जी, मैं भी केशवान पंचायत ए का वार्ड नंबर 7 से हूँ। मैंने आज तक देखा, मैं सोशल वर्कर रहा हूँ 2006 से लेकर MD मेरे का जब से शुरू हुई है तब से सोशल वर्कर मैं रहा हूँ यहाँ पे। मैं कोई वार्ड पेंच नहीं हूँ, मैं कोई सरपंच नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। हमने भी आज तक 2006 से लेकर आज तक हम देख रहे हैं GRS इरशाद अहमद मीर, जो यहाँ का रहने वाला इसी वार्ड नंबर 2 में रहता है, उसके जब से वो यहाँ आया है, जब भी वो इधर आता है, 2016 में ये स्कीम जो आवाज़ प्लस, जो आपने बताया आवाज़ प्लस 2016 में शुरू हुई जिसकी जियोटेक वगैरह 2018 सितंबर 2018 में हुई है, उस टाइम उसने इरशाद अहमद मीर ने अपनी तरफ से एक बिट्टू कुमार जो ऊपर ग्रामस्थ जो ये पंचायत केशवान डी में रहता है, तो उसने जियोटेक की थी यहाँ पे आके। उस टाइम उसने हमें लिस्ट दिखाई थी यहाँ 2 पंचायतों की 380 केस सेंक्शन आए हैं, ये हमने जियोटेक करनी है। तो हमने उस मैंने उसको दो ये में केशवान पंचायत ए में 3 वार्डों की जियोटेक करवाई थी, उस समय इसने जियोटेक करवाई है बिट्टू कुमार से, वो मेरे पास लिस्ट भी है। चलिए, ये तो जियोटेक वगैरह इन्होंने किया, तो लेकिन किन लोगों को आप जिम्मेवार समझ रहे हैं थोड़ा सा हाई मतलब ब्रीफली, किन लोग कौन लोग हैं जो इसमें कसूरवार आपकी नज़रों में लग रहे हैं? देखो जी, ऐसा पूरा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैंने परसों भी, हम शुक्रगुजार हैं जो पूजा ठाकुर जी है यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, उसको हमने दावत दी थी यहाँ नागरीगढ़ केशवान में, वो वहाँ पर आई, हमने उसके पास गुजारिश की थी, हमने बताया था, मैंने खुद बताया था कि आवाज़ प्लस मकान जो भी है जो डिज़र्व करने वाले हैं, जैसे गुलाम नबी वानी है यहाँ पे, ये देख लिया आपने भी, खुद भी देखा, हमें आज ये पूरा इलाका दिखाना था, पंचायत केशवान ये पूरा दिखाना था जहाँ डिज़र्व करते हैं, उनको अभी तक हमने नहीं देखा, ऐसे ऐसे बंदों को नहीं देखा। तो अभी आप डिपार्टमेंट से क्या चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि अगर वो आवाज़ प्लस ऊपर से सरकार दे रही है, वो ऐसे ऐसे लोगों को देना चाहिए जो बाकी दिए गए हैं, हम उनके खिलाफत नहीं करते हैं, वो भी डिज़र्व करते हैं, जो भी BPL राशन कार्ड होल्डर हैं वो डिज़र्व करते हैं, मगर ये हमने अभी तक जो देखा, जो भी यहाँ खड़पेट हजरात हैं, चाहे GRS है, VLW है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, उन्होंने दिए हैं जो ठीक बंदे हैं जिनको अच्छे मकान हैं, उनको आए हैं मकान, इस वक्त भी सेंक्शन आए हैं, हमें बता रहे हैं ऐसे ऐसे बंदों का बता रहे हैं कि हमने लिस्ट दी है वो रिजेक्शन में रखी गई है।
अगर रिजेक्शन में रखी है तो मैंने वहाँ भी ऑफिस में भी चेक किया, वहाँ मेरा भी रिजेक्शन में है, तो उस पर भी हमने कार्रवाई की थी। हमने बोला था, बीरो साहब से भी बोला है, सबको बोला है, जिस हिसाब से रिक्वेस्ट की है हमने, उनके मटेरियल के बारे में भी की है। एम जी नरेगा में जो ऑफलाइन इनने बताया, इस साल तो हमें बता रहे थे ऑफलाइन ऑनलाइन ये पंचायत ने कुछ है, एक ठेकेदार आया था, उसने टेंडर दिया था मटेरियल में, उसको हटाया गया, वो तो हटाया वार्ड पेज और सरपेज में। थैंक यू बात करने के लिए। फ्रेंड्स, ये आपने देखा, ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं, गुलाम नबी साहब हैंडीकैप पर्सन भी हैं, एक हाथ बिल्कुल इनके पास नहीं है, दूसरा हाथ भी डैमेज है, तो और मकान भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा मकान है। डिजर्व करते हैं, ऐसे लोग डिजर्व करते हैं और इनको हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि दूसरों को ना मिले, सबको मिले जो डिज़र्व करते हैं, जो एलिजिबल है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी कम से कम ऐसे लोगों को बनता है। तो एसीडी किश्तवाड़, डीसी किश्तवाड़ और साथ में एलजी जेके यूटी मनोज सिन्हा साहब से भी यह रिक्वेस्ट की जाती है कि गांव की तरफ, जहां गांव की डेवलपमेंट की बात की जाती है बार 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 बार, कि हर तरीके की डेवलपमेंट गाँव में होगी, हर तरीके के बेनिफिट्स जो सेंटर स्कीम सेंटर से निकलती है स्कीमें, वो गाँव तक पहुँचाई जाएंगी। तो लेकिन उसमें सबसे पहले जो डिज़र्व करते हैं ऐसे लोग, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उम्मीद रहेगी कि डिपार्टमेंट इसकी तरफ तवज्जो देगी और कार्रवाई करेगी। और बाकी अल्लाह हाफिज़।